इलाहाबाद की सदर तहसील कम्प्लेक्स में जबरदस्त धमाका होने से अफरा तफरी मच गई। धमाका इतना जबरदस्त था कि तीसरी मंजिल पर बने वकीलों के चैम्बर की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। इस धमाके में दो वकील मामूली रूप से जख्मी हुए हैं। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा। 4:15 बजे के करीब में सूचना मिली थी कि ये जो 84 खंबा वाला है, जहाँ पे वकीलों का लॉयर्स का चैम्बर है, डिस्ट्रिक्ट लॉयर्स का, उसके चैम्बर में थर्ड फ्लोर पे जो है एक धमाका हुआ है, तेज़ धमाका हुआ है, और उसमें जो है काफ़ी शीशे जो आसपास के चैम्बर्स के थे वो तड़क गए थे, वो शीशे काफ़ी टूटे हुए थे। सीन ऑफ क्राइम पे जब गए थे और वहाँ पे एक वकील साहब है मनोज जी, उनकी इंजरी चिन पे, जो अभी तक डॉक्टर से हमारी बात हुई है, मनोज दुबे जी, उनके इंजरी है, एक चिन पे इंजरी है और एक शोल्डर में, राइट शोल्डर में एक कांच उनके शायद लगा हुआ है, तो दो इंजरीज वो बता रहे हैं। गनीमत ये रही कि विस्फोट शाम के वक्त होने की वजह से तीसरी मंजिल पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। फिलहाल दोनों घायल वकीलों को प्राथमिक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और पुलिस के कई बड़े अफसर मामले की छानबीन कर रहे हैं। इलाहाबाद से सैयद आकिब रजा, पंजाब केसरी टीवी।